लर्निंग प्रोसेस को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वेट इज मूविंग एवरेज। इससे पहले हम लोगों ने बात की है सिंपल मूविंग एवरेजेस पर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर, और आज बात करेंगे वेट इज मूविंग एवरेजेस पर। अच्छा, अब ये वेट इज मूविंग एवरेज किस तरीके से सिंपल और एक्सपोनेंशियल से अलग है, और दूसरी बात इनको उपयोग करने का जो तरीका है, जो यूज़ करने का प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से अलग है सिंपल और एक्सपोनेंशियल से। तो अगर आपने अभी तक सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो पहले इस सेशन को पूरा देखिए, क्योंकि इस सेशन का उन सेशन से बहुत कनेक्टिविटी नहीं है। सिर्फ एक कनेक्टिविटी है जो सिंपल मूविंग एवरेज का होता है कि कैलकुलेशन कैसे होगा, औसत निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, एवरेज का कैलकुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है, लेकिन वेट इज मूविंग एवरेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो इस सेशन के बाद अगर आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज के उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले इस सेशन को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन होकर आप फिर उस सिंपल मूविंग एवरेज के वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लिया जाए कि वेट इज मूविंग एवरेज है क्या। अच्छा, वेट इज मूविंग एवरेजेस को समझने के लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो काम क्या करेगा ये समझ लिया जाए। देखिए, प्राइस में हम लोगों को मोमेंटम चाहिए होता है एज अ ट्रेडर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक तरीके से दौड़ है सर, एक जो आप लोग रनिंग करते हैं ना, उस वही मोमेंटम है। प्राइस के लिए दौड़ना ही उसका मोमेंटम है। ठीक है, तो दौड़ना कैसे संभव है आप खुद से सोचिए, अपनी स्ट्रेंथ से पहचानिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उससे आपको लगभग एक पूरी प्रोसेस की क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं, ये एक यहाँ से मैंने एक ट्रैक बना दिया कि ये 4-5 किलोमीटर का एक ट्रैक है, आपको यहाँ से यहाँ तक दौड़ कर जाना है। अब आप जब दौड़ की शुरुआत करेंगे तब आपकी एबिलिटी, जो क्षमता है, वो पूरी की पूरी आपके पास सेफ है। अभी आपने कोई भी अपनी पावर को अभी ख़त्म नहीं किया, तो आपका मोमेंटम शुरुआत में बहुत तेज होगा और धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता जाएगा, और जब तक आप इस रेस को कंप्लीट करेंगे तो लगभग आप अपनी पूरी क्षमता खो चुके होंगे। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? जहाँ से इनिशियल लेवल होता है वहाँ पर उस मोमेंटम सबसे तेज होता है, और जहाँ पर उसका पीक बनता है वहाँ पर मोमेंटम एक बार और सबसे तेज होता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा विस्तार से इस पर जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो संभव नहीं है। इस वजह से जब आप क्लासेस में आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ एक डाओ थ्योरी, जहाँ पर पहली रैली सबसे तेज होती है और लास्ट रैली उससे भी तेज होती है। ठीक है, टोटल डाओ थ्योरी में 5 वेव्स होती हैं, तो 5 वेव में लास्ट वेव सबसे ज़्यादा डिजास्टर होता है जब आप प्राइजेशन को सीखते हैं तब। वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। देखिए, तो मैंने कहा जब मोमेंटम की शुरुआत हुई तो एज अ बिगिनिंग, यहाँ पर जब शुरुआत हो रही है तब सबसे तेज प्राइस मूवमेंट करता है, और ऐसे ही लास्ट में जब उसको ख़त्म होने को होता है। ठीक है, अब मोमेंटम कब होगा ये समझिए। मैंने कहा आपने यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर का एक रेस कंप्लीट किया, अब मैं आपको बोलूँ कि कल फिर आइएगा, और कल जब आप आएंगे तो मैं आपके ऊपर क्या करूँगा, लगभग 60 kg का एक वेट रख दूँगा। ठीक है, लगभग 60 kg का एक वेट रख दूंगा, एक भार आप पर रख दूंगा आपके ऊपर, फिर कहूंगा अब इस 5 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट कीजिए। अब हो सकता है या तो आप पूरा कंप्लीट ही ना कर पाएँ, आधा ही दौड़ पाएँ, या फिर अगर दौड़ भी पाएँ तो पिछले दिन अगर आपने आधा घंटा लिया था तो आज कम से कम आपको 2-3 घंटे का समय लगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ऊपर जो आप मोमेंटम कर सकते थे, जितनी तेज आप दौड़ सकते थे, वो उस कारण नहीं हो पाया क्योंकि आप पर भार बहुत रखा हुआ था। देखिए, अब प्राइस में मोमेंटम तब होता है जब अच्छे एक्यूमुलेटर्स एक्यूमुलेशन करें। अच्छे खरीदारों की खरीदारी से आशय ये है, बड़े खरीदारों का मतलब ये हुआ कि ऐसे खरीदार जो एक जगह पर पूरी क्वांटिटी खुद ही खरीद रहे हों, क्योंकि उनके खरीदने से जो फ़ायदा होगा वो ये कि अगर उन्होंने बड़ा पैसा लगाया है तो बीच में वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके नहीं निकालेंगे, वो किसी अपने एक टारगेट के लिए इंतज़ार करेंगे, तो प्राइस को एक बड़े मोमेंटम का मौका मिलेगा।
ठीक है, और यहाँ पर जाकर जब वो अपनी क्वांटिटी बुक करेंगे तो अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल लेंगे या 40%, फिर लोअर लेवल पर दोबारा खरीदारी करेंगे क्योंकि निचले स्तर पर वो एक बड़े खरीदार थे। तो ऐसे मोमेंटम चलता है क्योंकि हमको इंस्टीट्यूशनल बायर को अगर आइडेंटिफाई करना आ गया, इसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी, इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है कि अगर बड़े खरीदार एक रेंज में अच्छी बाइंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस जो मोमेंटम करेगा वो बड़ी तेज होगा और प्राइस में एक स्ट्रेंथ होगी, मजबूती होगी, क्योंकि खरीदारी बहुत अच्छी हुई है, लोअर लेवल पर बाइंग बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। इस कारण से प्राइस का मोमेंटम बहुत हायर है। अब देखिए, इसी मोमेंटम को रोक दिया जाता है रिटेलर्स के द्वारा। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इसी में रिटेलर के छोटे खरीदार, हम जैसे लोग जो सर हैं, हमारी खरीदारी कही जाती है बैड मनी, कि अच्छा पैसा नहीं है। अच्छा पैसा क्यों नहीं है, ज़रा समझिए। अगर बाज़ार 22,700 चल रहा है और आपने खरीदारी की और आप जैसे कुछ लोगों ने और थोड़ा थोड़ा पैसा डाला, तो 22,720 होने पर कुछ पैसा निकाल लेंगे, कुछ 22,750 होने पर निकाल लेंगे। तो आपने खरीदा तो है लेकिन आप जल्दीबाजी में बहुत जल्दी जल्दी अपने पैसे को निकाल भी रहे हैं और डाल भी रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, प्राइस मोमेंटम ही नहीं कर पा रहा है। और ये है क्या, ये बैड मनी ही प्राइस पर वेट है, भार है, इसी को हम कह रहे हैं वेट इज मूविंग एवरेज। अगर प्राइस पर वेटेज, औसत भार ज़्यादा हो गया रिटेलर्स की खरीदारी का, ठीक है, तो कभी भी प्राइस पर अगर वेटेज मूविंग एवरेज ज़्यादा है, इसका मतलब है प्राइस में मोमेंटम की संभावना कम है क्योंकि रिटेलर्स ने ज़्यादा एंट्री किया। अच्छा मैं आपको बताऊँ, रिटेलर कभी बॉटम पर ज़्यादा एंट्री नहीं करता। जब प्राइस मोमेंटम की शुरुआत कर देता है, जब मोमेंटम शुरू हो जाता है, तब वो शुरुआत से लेकर अंत तक, मोमेंटम खत्म होने तक, इस बीच में वो इतनी खरीदारी करता है कि वेटेज मूविंग एवरेज बहुत तेज़ी से इस तरीके से डिक्लाइन पे आ जाता है। वो बता देता है एवरेज, पहले देखिए वेटेज मूविंग एवरेज की खासियत है, पहले वो चल रहा होगा, फिर वो धीरे से एक तरफ आपको बैंड करेगा। ये जो बैंडिंग मोमेंटम है वेटेज मूविंग एवरेज में, वो प्राइस के मोमेंटम को रोक देता है। सिंपल, मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, एक बेस को क्लियर कर रहा हूँ आपके, और ये इतना शार्पली काम करेगा आपके लिए, आप लाइव मार्केट में जाकर इसको फील करेंगे कि ये चीज़ें कितना स्मूथली काम करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राइस से जुड़ी हुई चीज़ें। अच्छा, प्राइस में मोमेंटम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, प्राइस बनता ही तीन चार चीज़ों से है, वॉल्यूम, मोमेंटम, स्ट्रेंथ और प्राइस इटसेल्फ, प्रभाव खुद में। तो यही तीन चार चीज़ें हैं। अगर प्राइस की स्ट्रेंथ अच्छी है, मतलब उसकी मजबूती अच्छी है, अगर प्राइस की मजबूती अच्छी है तो उसमें मोमेंटम अच्छा होगा, और मोमेंटम अच्छा होते समय अगर रिटेलर्स की खरीदारी कम हुई, छोटे खरीदार अगर बाजार में कम हुए, तो वो मोमेंटम बहुत देर तक चलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं, अगर प्राइस कभी भी, अब ध्यान से सुनिए, मैं सारे पॉइंट्स को 1-to-1 जोड़ रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहले प्राइस की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन हम लोग किससे करते हैं, इसके लिए एक इंडिकेटर है जिसको आप कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। RSI पर मैंने एक सेशन किया हुआ भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मैं वीडियो पिन करा दूंगा, आप जाकर देखिएगा। अगर आपको RSI और वेटेज मूविंग एवरेज का एक डेडली कॉम्बिनेशन का एक बिल्कुल नॉट टू नॉट वीडियो चाहिए, मैंने पहले भी दिया हुआ, अगर आपको दोबारा से लाइव मार्केट के परिप्रेक्ष्य में चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से एक सेशन करूंगा। अगर मुझे हाईएस्ट कमेंट मिलते हैं कमेंट सेक्शन में RSI और वेटेज मूविंग एवरेज के लिए, तो मैं उसके लिए एक कंबाइंड सेशन करूंगा कि उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। हालांकि वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हम लोग नहीं करते, वो हम लोग करते हैं चार्ट IQ के चार्ट पर। अच्छा, चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हम लोग मोमेंटम को, मतलब प्राइस के डायरेक्शनल रेंज को, हम लोग बल्क ऑफ कैंडल्स को अगर कहा जाए बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और इंडिविजुअल कैंडल्स को, जब आप प्राइजेक्शन को बेसिक से सीखने की शुरुआत करें तो चार्ट IQ का चार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये धन का डीमैट है, इसमें ट्रेडिंग व्यू के सारे आपके ऑप्शंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, इसी तरीके से चार्ट IQ का चार्ट भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अगर अभी तक आपने इस डीमैट को ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन के डीमैट का लिंक है, जाकर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको चार्ट IQ के चार्ट में 2 मिनट, 5 मिनट और 30 सेकंड, 50 सेकंड के टाइम पीरियड भी मिलते हैं, टाइम फ्रेम भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिन पर हम लोगों ने पिछले सेशन में, दोपहर के सेशन में आज में ही बात की है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करें, अब देखिए मैंने समराइज किया, आपको बताया कि RSI अगर स्ट्रांग है,
और RSI को देखना आपको आता होगा, ठीक है। RSI के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि RSI में प्राइजेशन के कुछ रूल रेगुलेशंस काम करते हैं। जैसे प्राइस में आप अगर लाइन चार्ट देखें, यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट है, एक लाइन चार्ट है, तो लाइन चार्ट के कुछ यहाँ पर सेटअप्स होते हैं, जैसे कि W फॉर्मेशन हुआ। अगर RSI में कभी W फॉर्मेशन बनाया, अब मैं थोड़ा शॉर्टर टर्म में चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर पूरा डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना आसान बात नहीं है। 3 से 4 या 5 सेशन लगते हैं जब आप क्लासेस में आते हैं। क्लासेस में आने के लिए नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। देखिए, अगर यहाँ पर W फॉर्मेशन बना है या प्राइस RSI आकर एक जगह पर आकर इस तरीके से रुक गया है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन चल रहा है, कि प्राइस में मजबूती का काम चल रहा है तेजी से। वो कैसे चलता है? अगर वॉल्यूम्स आ रहे होंगे तो चल रहा होगा, वॉल्यूम्स आ रहे होंगे उससे प्राइस अच्छा हो रहा होगा और वहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी हो रही होगी। अगर यहाँ पर RSI अचानक से गिरा और यहाँ पर इस तरीके से रुकने लगा, वहाँ पर प्राइस पर आपने वेटिंग मूविंग एवरेज लगा कर रखा है, उसके नीचे भाव था, अब उसके ऊपर जा रहा है और ये बेंड हुआ ऊपर की तरफ, तो देखिए प्राइस की मोमेंटम अच्छी हुई, वेटिंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ RSI भी एक्यूमुलेशन कर अपने हाई ब्रेक कर रहा है। समझ लीजिए ये सबसे बेस्ट टाइम है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का और यहाँ पर अपनी ट्रेड्स डिप्लॉय कीजिए। चलिए अब हम इसका कुछ एग्जांपल लाइव मार्केट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, मूविंग एवरेज को यहाँ पर लगा लिया जाए। मूविंग एवरेज को लगाते समय देखिए, कोई अभी सेटिंग्स में चेंज नहीं करेंगे, सेटिंग्स में चेंज करने का समय आएगा वो हम लोग उसी समय करेंगे। यहाँ पर देखिए WMA मैंने यूज़ किया। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सिंपल मूविंग एवरेज है, अरे सर जो बोल रहा हूँ उसी तरीके से सेटिंग्स को चेंज कीजिएगा, इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। ये मैं आपके बेसिक्स को बहुत क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो जो पॉइंट्स जैसे बोले जा रहे हैं उनको उसी तरीके से यूज़ कीजिए, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मैं आपके लिए RSI यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। RSI यहाँ पर आपने RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाया। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, प्राइस को बहुत ध्यान से देखते जाइए और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा पहले W फॉर्मेशन और प्राइस का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए और आपका W वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए। जैसे ही वेटेज मूविंग एवरेज बैंड होने लगे तो समझिए मोमेंटम रुकेगा, RSI 70-80 पहुँचने लगे, 85 पहुँचने लगे तो समझ लेना मोमेंटम रुकेगा। हर बार की कहानी यही, और इसी तरीके से आपको चार्ट पे चीज़ों को प्लॉट करना। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूँ जिससे आपकी समझ अच्छी हो, आपको दिखे अच्छे बेहतर तरीके से, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको और डार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। यहाँ पर पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पर वेटेज मूविंग एवरेज बैंड हो गया। बैंड होने का मतलब है चलते हुए एवरेज में एक धीरे से यहाँ पर घुमाव आना, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज का बैंड हो जाना। यहाँ पर मूविंग एवरेज बैंड हुआ, प्राइस नीचे आया, RSI भी नीचे आने लगा, मतलब अब यहाँ पर रिटेलर्स की खरीदारी का भार मोमेंटम से ज़्यादा हो गया, तो प्राइस क्या चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा। प्राइस ने एक लो लगाया, RSI ने भी अपने एक लो लगा दिए 17-18 के, ठीक है। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, RSI भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। RSI फिर नीचे गया, प्राइस भी नीचे गया। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन और यहाँ पर RSI भी अपने स्विंग हाई के नीचे एक्यूमुलेशन करते हुए यहाँ दिख रहा है, ये 50 का लाइन है, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर अपने ये स्विंग हाई निकाले, ये स्विंग हाई निकाले और यहाँ पर RSI ने भी 50 के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, और प्राइस क्या है, वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर बैंड किधर हुआ है, ऊपर की तरफ, मतलब प्राइस के मोमेंटम शार्प हैं, रिटेलर्स यहाँ पर एग्जिट करा लिए गए। रिटेलर्स के एग्जिट की थ्योरी क्या है, एक बार हिट कीजिए यहाँ पर जो बायर्स आए उनके SL हिट यहाँ पर कीजिए, दोबारा अंदर आ जाइए। यहाँ पर रिटेलर्स की लेस क्वांटिटी होगी और इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा डोमिनेशन पोजिशन में होगा, तो प्राइस क्या करेगा, मोमेंटम करेगा। बिल्कुल क्लियर, देखिए शार्प सिग्नल मिलता है, अवर्ली टाइम फ्रेम है, इतना शार्पली काम कर रहा है। अब देखिए है क्या, यहाँ पर अगर आपको हैजिंग आती है तो बाजार को एक पैसा देने की जरूरत नहीं, चाहे बाजार अब जो भी कर ले, इस तरीके के प्राइजेक्शन पर हम लोग बाजार को एक पैसा नहीं देते, सिंगल कॉइन ऑफ मनी पे नहीं करते। कारण क्या है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हैजिंग। मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अगर आप उसको हैज कर इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपके परिणाम बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक होने वाले। उसके पीछे कारण क्या है, हैजिंग में हम पोजिशंस को, अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग तो किया है लेकिन 21,400 से बाजार अगर 21,000 भी आ जाएगा तब भी मैं बाजार में एक पैसा लॉस नहीं करूंगा। अब बताइए मार्जिन ऑफ एरर कितना बड़ा है, 400 पॉइंट गिरावट के बावजूद मैं बाजार को एक पैसा नहीं दूंगा, और अब ट्रेंड तो मेरे फेवर में है ही है, वहां तो मैं कमा कर जाऊंगा। ये हैजिंग के सबसे बड़े बेनिफिट है कि आपके अगेंस्ट,
आप ऑप्शन बायर हैं, 15 मिनट आपके अगेंस्ट में प्राइस चला 50 पॉइंट, आप बाहर निकल जाते हैं। मैं बोलता हूँ 300-400 पॉइंट चलेगा, वहाँ भी आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है बाजार को, ठीक है। बहुत सिंपल तरीकों से प्राइस पे काम कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुए, लॉन्ग कीजिए, सिंपल। प्राइस में फिर वेटेज मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, फिर से हाई की तरफ निकला, फिर ऊपर निकला, यहाँ पर देखिए 50 का रिटेस्ट हुआ, फिर प्राइस ऊपर निकला, फिर यहाँ लॉन्ग कीजिए स्विंग हाई के, ऐसे फिर आपको टारगेट मिलेगा। अब दोबारा वेटेज मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया, यहाँ भी कोई स्विंग हाई नहीं जा रहे, प्राइस यहाँ पर आकर रुक गया। अब ये कोई भी स्विंग हाई यहाँ भी नहीं निकले। अब प्राइस में क्या है, मोमेंटम रुका रहेगा। फिर से देखिए स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन, 50 के नीचे RSI और वहाँ रुक कर रह गया, यहाँ भी प्राइस आकर अपने लास्ट स्विंग लो के पास, इसी W फॉर्मेशन के पास जहाँ पर उनका पिछला एक्यूमुलेशन था, उसी के जोन में आकर दोबारा एक बार स्ट्रेंथ बनाया, फिर से RSI 50 को निकला, हम लोगों ने यहाँ रेंज को ब्रेक किया 2100 के ऊपर, फिर एंट्री कीजिए, फिर टारगेट लीजिए। ये इतना शार्पली काम कर रहा है, बस आपको इसको इंप्लीमेंट करना ही तो सीखना है, इसके अलावा कोई सीखने की जरूरत है। अब देखिए फिर यहाँ पर प्राइस बैंड हुआ, प्राइस W वेटेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई शॉर्ट का लॉन्ग का पोजीशन नहीं रखना है। फिर प्राइस देखिए ऊपर गया हाई को ब्रेक करने से पहले, फिर लौट आया और यहाँ पर W फॉर्मेशन फिर बनाया, और फिर प्राइस ऊपर जाकर यहाँ पर देखिए यहाँ भी W फॉर्मेशन बन गया, और फिर प्राइस ऊपर जाकर 50 के ऊपर यहाँ पर एंट्री दे रहा है, फिर लॉन्ग कीजिए, फिर टारगेट आपके पास है। इतना सिंपल, इतना काल्म सेटअप आपके लिए ये है कि अगर आप बस इसको इंप्लीमेंट करें। अभी मैंने कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं किए, 9 का W मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, वेटेज मूविंग एवरेज RSI 14 का है, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पर 9 घंटे का, यहाँ 14 घंटे का, बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी अलग से यूज़ नहीं करना है। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि।